नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में रत्नों के माध्यम से अब बीमारियों का इलाज होने वाला है। खास बात यह है कि इन रत्नों के माध्यम से बीमारी का इलाज करने की पढ़ाई जल्द ही शुरू होगी। बिहार में पहली बार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विषय की पढ़ाई शुरू होने वाली है। इस कोर्स के तहत अब विद्यार्थियों को हीरा, मोती, पन्ना, गोमेद सहित अन्य विभिन्न रत्नों का चिकित्सीय प्रभाव, रोगों की पहचान और रोगों के निदान में होने वाले उपयोग की शिक्षा दी जाएगी। विश्वविद्यालय काउंसिल ने इस नए कोर्स को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विभिन्न नए विषयों में पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत योग, आयुर्वेदिक फार्मेसी और मेडिसिनल प्लांट्स के कोर्स भी शुरू होंगे। विश्वविद्यालय के निबंधक द्वारा जारी पत्र के अनुसार मास्टर ऑफ साइंस इन योगा साइंस, डिप्लोमा इन आयुर्वेद फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिसिनल प्लांट्स की भी पढ़ाई होगी। दक्षिण भारत में ये पढ़ाई होती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई दक्षिण भारत में होती है। जानकारी के अनुसार झारखंड, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालय में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती है। रक्तचाप, चिंता और श्रम के कारण होने पर सफेद मोती, मधुमेह और मोटापे के कारण होने पर पुखराज एवं शनि के साढ़े साती में रक्तचाप प्रारंभ होने पर काला अकीक अथवा गोमेद लाभदायक होता है। मोती, हीरा, लाल मूंगा या फिर पीला पुखराज अपनी कुंडली के अनुसार पहना जा सकता है। रक्त संबंधी रोग के लिए नीलम पन्ना या फिर रूबी कुंडली के अनुसार पहनने से लाभ बताया गया है। फेफड़ा या नर्व सिस्टम में समस्या होने के बाद मेलाकाइट, जेड पेरीडॉट या फिर पन्ना पहनना लाभप्रद होता है। चर्म रोग के मामले में गोमेद से लाभ पहुंचता है। गर्भपात के लिए लाल मूंगा या फिर मेलाकाइट पहनना लाभप्रद बताया गया है। अपच रोग के लिए लाल मूंगा फायदा पहुंचाएगा। विशेष रंगों के रत्न विभिन्न रोगों को दूर करने में काफी प्रभावी बताए गए हैं। ये कहना है डॉक्टर श्रीपति का। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी की माने तो विभिन्न वैदिक एवं ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न रत्नों के धारण करने से अलग अलग रोगों के शमन और मरीज के शीघ्र स्वस्थ होने के विस्तार से जानकारी दी गई है। ज्योतिष का एक सामान्य नियम है कि जन्म के समय ग्रहों से निकलने वाली किरणें जीवन पर्यंत प्रभाव डालती है। सूर्य से निकलने वाली किरणें सात रंगों में बनी है। इनमें किसी भी रंग का अवशोषण विभिन्न रोगों के रूप में परिलक्षित होता है। जैसे लाल रंग की कमी से रक्त अल्पता, बुखार आदि हो सकता है। रत्न शास्त्र के अनुसार विशेष रंगों के रत्न विभिन्न रोगों को दूर करने में प्रभावी होते हैं। बिहार में योग, आयुर्वेद एवं रत्नों के आधार पर रोगों की पहचान और निदान से जुड़े विषयों में पढ़ाई शुरू होने से आम लोगों की रुचि देसी चिकित्सा के प्रति बढ़ने के आसार है। योग एवं आयुर्वेद के साथ ही रत्नों की पहचान और उनके महत्व की जानकारी भी रोचक होगी। नई नई बातें सामने आएंगी और आम लोगों को रोगों से राहत मिलेगी। विश्वविद्यालय के निबंधक डॉक्टर राकेश कुमार सिंह की माने तो एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी प्राप्त नए कोर्स का सिलेबस बनाने की जिम्मेवारी सिलेबस कमेटी को सौंप दी गई है। कमेटी विषयवार पाठ्यक्रम तैयार कर उसे अंतिम रूप प्रदान करेगी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद उम्मीद है कि आने वाले समय में बीमारियों का इलाज रत्नों के माध्यम से भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।